वेलकाम बैक फ्रेंड्स, एखोनी मात्र पा खबर अनुजाई आलू और प्याजेर दाम कमाते आसरे नामलो एनफोर्समेंट ब्रांच। तो बंधुगण, तारा बाजारे बाजारे घुरे आलू और प्याजेर दाम बस्ता प्रति दाम कमेछे ओ केजी प्रति दाम कमेछे। तो बंधुगण, बस्ता प्रति कत दाम कमेछे, केजी प्रति कत दाम कमेछे, आमरा एई भिडियोते ए टू जेड आलोचना करब। तो जानते हुए अवश्य भिडियोटा शेष पर्यन्त देखबें। और बंधुरा, आपनारा कौन जिला थेके देखछेन भिडियोटा, आपनी आपनार जिलाय आलू और प्याज प्रति केजी कत करे किनछेन अवश्य कमेंट बक्से लिखे जानाबें। कारण आपनादेर जिला थेके जखनी कोनो आपडेट देवा होबे तखन आमरा आपनादेरके सबार आगे जानिए देब। और जारा एखोनो ए चैनलटिके सबस्क्राइब करेननि, भिडियोर नीचे लाल रंगेर सबस्क्राइब बटने क्लिक करे पार्शे देखबेन एकटा बेल आइकन उठे आसबे, सेखाने क्लिक करार पर वाल नोटिफिकेशन ऑन करे राखबेन। और एकटा लाइक करते भूलबेन ना। सकाल होलेई कोलकाता पुलिसेर एनफोर्समेंट ब्रांच झाँपाबे प्रतिटा बाजारे। प्याजेर दाम प्राय देड़ मास आगे थेके ऊर्ध्वमुखी होते होते एकेबारे नागालेर बाइरे चले गेछे। साधारण क्रेतादेर मध्ये असंतोष बाड़छे प्रतिदिन। संवाद माध्यमे विषयटी उठे आसा छाड़ा आर कोनो किछुई हयनि। 6 नवेम्बर राज्येर विभिन्न बाजारे टास्कफोर्स ओ एनफोर्समेंट ब्रांच घुरे आलू ओ प्याजेर दोकान थेके दोकाने गिये दाम निये हुशियारि दिये गेछेन। 7 नवेम्बर सकाले गिये खुचरो बाजारगुलोते देखा जाय प्याज केजि प्रति 5 থেকে 10 টাকা अब्दि कमेछे। अनेके दाबी करेन एनफोर्समेंट ब्रांचेर रेडेर परे दाम कमेछे। मानिकतला बाजारे गिये विषयटि जानते चाइले तार उत्तरटा परिष्कार दिते चाननि दोकानदाररा। तबे ओई बाजारे प्याजेर मान अनुजायी दाम छिलो 60 থেকে 70 টাকা प्रति किलो। नासिकेर प्याजेर दाम 70 থেকে 75 টাকা केजी दरे चलछे, ओटाई नाकि एखन एक नम्बर प्याज। पोस्ता ओ शियालदा पाइकारी बाजारे गिये जाना गेलो गत 7 दिन धरे प्याज आमदानी बेड़ेछे बाजारे, जार फले प्याजेर दाम कमेछे। नासिकेर नतून प्याज बाजारे आसछे, जार कारणे आज ओ दुई बाजारे प्याज पाइकारी दर बस्ता 40 কেজি 1500 থেকে 1800 টাকা हिसाब গেছে। 7 দিন আগে যার দাম ছিল 2200 টাকার উপরে। তবে পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, পুলিশের বাজারে হানা দেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা আজ খুব কম প্যাজ লরি থেকে খালি করছে। পুলিশের চাপ যদি বেশি থাকে তাহলে পাইকারি ব্যবসায়ীরা প্যাজ আমদানি করতে ভয় পাচ্ছে, এর ফলে কৃত্রিম অভাব তৈরি হতে পারে বাজারে।